अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं फ़ेस टू फेस और मैं हूं इरफान बशीर। अकबर बाजवा की मसरूफियात की वजह से आज ये ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है। आज सेनेट में करारदाद पेश की गई है। वो कहते हैं कि होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। क्या 8 फरवरी के इलेक्शन के इनकाद पर छाई धुंध मज़ीद गहरी होने जा रही है? इस करारदाद की कानूनी हैसियत क्या है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तौहीन है? क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब कह चुके हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात पत्थर के ऊपर लकीर हैं। इस लकीर को मिटाने की कोशिश कौन कर रहा है? इस लकीर को मिटाने में सहूलतकारी कौन सी जमातें कर रही हैं? आज ये हमारा मौजू होगा। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ताहयात नाअहली का केस है, उससे कौन कौन से सियासतदान मुस्तफ़ीद होने जा रहे हैं और बराह रास्त इसका किसको फ़ायदा होगा, इसका मुमकिना फ़ैसला क्या हो सकता है। कानूनी और आइनी माहरीन हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसकी भी बात करेंगे और करारदाद जो पेश की गई है सेनेट में आज, ये क्या वाकई अल्तवा का शिकार बनेंगे पाकिस्तान के इंतखाबात? आज हमारे साथ मौजूद होंगे राजा आमिर अब्बास साहब, माहिर कानून हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, दिफाई तजियाकार हैं। आपका शुक्रिया। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी से सस्सी पलीजो हमारे साथ मौजूद होंगी। नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब से शुरू करना चाहता हूं। ब्रिगेडियर साहब, आप खैरियत से? बहुत शुक्रिया, वेरी काइंड ऑफ यू। सर, सेनेट करारदाद में जिक्र किया गया है सिक्योरिटी इशूज़ का। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इशूज खराब हैं, इंतखाबात इल्तवा का शिकार होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं एक जुमला बोलता हूं हमेशा मीडिया पे, मैन यू स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। बेशक कुछ लोग कहें कि ये कोई साजिश लग रही या क्या है, लेकिन सेनेट में अगर चाहे बेशक 14 हमारे ऑनरेबल सेनेटर्स वहां बैठे हों और रेजोल्यूशन आए, तो उस रेजोल्यूशन की एक सिंबॉलिक वैल्यू जरूर होती है, याद रखें। और चाहे बेशक लीगल ना हो, बाइंडिंग ना हो वगैरह, लेकिन सिंबॉलिक वैल्यू है अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट करके। अब आपके सवाल के जवाब डायरेक्टली देखिए जी, सेनेटर दिलावर साहब ने जो बात की है, हम पीपल मे नॉट एग्री, बट उन्होंने फैक्चुअली बात ठीक की है कि इसमें कोई शक नहीं है कि एक टेरर वेव जो है वो चल रही है पाकिस्तान में, खासकर केपी में और बलूचिस्तान में। नंबर 1, हमारे जो सीनियर मोहतरम लीडर्स हैं, मौलाना फजल साहब हो गए, JUI के और लीडर्स हो गए, और अभी कल 2 दिन पहले मोहसिन दावर साहब ANP के लीडर, वो उन पे भी कुछ हमले हुए हैं। ANP पे तो अभी शुक्र है नहीं हुए हैं, लेकिन मोहसिन दावर साहब पे हुए हैं। और फौज ने कितने इंटेलिजेंस बेस्ड और एग्रेसिव ऑपरेशन किए हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, तो ये उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जबकि आपका इलेक्शन प्रोसेस तकरीबन मिडल से आगे निकल चुका है, नॉमिनेशन पेपर्स फाइनल स्टेजेस में वगैरह, नॉमिनेशन लिस्टें, और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने बड़ा क्लियरली कहा है आज से चंद दिन पहले, ये गालिबन 28 दिसंबर को हुई थी, कि जनाब पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल तैयार है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो भी रिक्वायरमेंट होगी सिक्योरिटी को, उसको मीट किया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक फौज का ताल्लुक है, रियासत का ताल्लुक है, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू खदशात हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन रियासत लुक्स कमिटेड कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इधर कमिटेड कि हाँ जनाब इलेक्शन शेड्यूल है, कैंपेनिंग शुरू होगी कहीं पे पाठशाला किसी पार्टी में 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए। और फिर चीफ जस्टिस साहब का भी वो पत्थर पे लकीर वाली बात, तो हो सकता है कि कोई ऐसे एलिमेंट हों जो चाहते हो कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो। देखे ना, आज इस्लामाबाद में थोड़ी देर पहले मैं ये एक वीडियो देख रहा था जिसमें हमारे एक मोहतरम सीनियर रिलीजियस लीडर, उन पे आप उसको टारगेटेड अटैक करें, टेररिस्ट अटैक करें, जो भी आप कहें, लेकिन उनकी डेथ हुई इस्लामाबाद में। सो मुझे ये लग रहा है कि ये जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेस हैं, ये जो टेररिस्ट फोर्सेस हैं, ये इनका कोई प्लान है, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में एनार्की हो, क्योंकि इलेक्शन होंगे तो ठीक है, वो लोग भी कहते हैं कि जी लेवल प्लेइंग नहीं है, कंपटीशन नहीं है, पता नहीं गवर्नमेंट स्टेबल होती है ये नहीं, वो और बातें हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो और आगे चले। सो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि, और आपको याद है 27 दिसंबर 2007 यही दिन थे, इसी किस्म का माहौल था। इलेक्शन से 3-4 हफ्ते पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत होती है लियाकत बाग के इलेक्शन के कैंपेन में, तो क्या हुआ था, लेकिन रियासत जो है वो खड़ी होगी। पीपल्स पार्टी को मैं क्रेडिट देता हूँ, सब खड़े हो गए पोलिटिकल पार्टी को, नहीं इलेक्शन होंगे, 5-6 हफ्ते वो लेट हो गए, फरवरी में इलेक्शन हुए, एक पीसफुल ट्रांसफर और पावर हुआ जनरल मुशर्रफ के मिलिट्री रूल से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, इलेक्टेड गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफर हुआ। आज भी मैं देख रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के जो लीडर्स हैं उन्होंने बाद में इस रेजोल्यूशन के बाद उन्होंने इस रेजोल्यूशन को इनडायरेक्टली कंडेम किया है। उन्होंने कहा नहीं जी वी वांट इलेक्शन। फिर सेनेटर अफनान साहब PMLN के आज क्या भरपूर बोले हैं जनाब, मुशाहिदुल्लाह साहब के बेटे ऑन द फ्लोर ऑफ द सेनेट, उन्होंने कहा नो इलेक्शन होंगे, बिल्कुल होने चाहिए। लेकिन सेनेटर दिलावर साहब का एक जुमला जो है वो मुझे भूल नहीं रहा, उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन हो और हमारे कुछ मोहतरम ऑनरेबल लीडर जो हैं वो हमसे छीन लिए जाए। सर बहरहाल इलेक्शन तो होने हैं, 2013 से तो बेहतर सूरत हाल लग रही है, 2008 से भी बेहतर लग रही है। नून लीग से बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, आप हिमायत करते हैं इस सेनेट में जो करारदाद पेश की गई, और क्या 14 सेनेटर्स 104 सेनेटर्स की नुमाइंदगी करते हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो जितनी मजम्मत की जाए इस तरह की करारदाद की वो कम है। मैं समझता हूँ कि सेनेट के अंदर जो अपर हाउस जो है उसमें 100 नशिस्तें हैं, उसमें से खाली 14 मौजूद थे और 14 लोग इस तरह की रेजोल्यूशन, उनमें से एक मेंबर ऐसी रेजोल्यूशन पेश करता है और उस रेजोल्यूशन को अक्सरियत से जो है पास किया जाता है। तो रेजोल्यूशन को पास करवाना सिर्फ 14 लोगों को, ये पूरी 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी नहीं है। सबसे पहले इस चीज़ को देखना है कि आया कि कोरम पूरा था या नहीं था, ये तो 1/3 भी नहीं स्ट्रेंथ उनकी बनती। लेकिन इस चीज़ को देखना है कि जमहूरियत के तसलसल को कायम रखने के लिए जिस तरह की ये हथकंडे अब आजमाए जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, और हमारी जमात ने तो बहुत दो टोक मौक़िफ़ लिया वहाँ पे, सेनेट के अंदर भी लिया और बाकी और जगहों पे भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, जहाँ जहाँ हम तो अपनी इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल तौर पे जारी और सारी रखे हुए हैं। हमें इलेक्शन से कोई घबराहट नहीं है, हमें इलेक्शन से कोई डर नहीं है, हम तो मैदान में हाजिर हैं। और हम कहते हैं कि दीगर सियासी जमातों को भी मैदान में आके मुकाबला करना चाहिए। सिक्योरिटी सूरत हाल जिस तरह आपने जिक्र किया कि 2008 में भी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब का सानिया जब हुआ, उसके बाद भी 4 हफ्ते के डिले के बाद इलेक्शन का इनेकाद हुआ। आया क्या इस तरह की सिक्योरिटी सिचुएशन जो कि एक वैलिड कंसर्न ज़रूर हो सकता है, लेकिन क्या हम अपने जमहूरी तसलसल के जो रुकावट है उसके हायल हो जाएं उस तसलसल के बीच में? ऐसा नहीं होना चाहिए, जमहूरीत को चलना चाहिए, जमहूरीत को चलने देना चाहिए। ये जिस तरह की करारदाद पेश की है इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में मजम्मत हमारी जमात करती है, और मैं ख़ुद भी, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस की कंटिन्यूएशन का चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी। और अगर सिक्योरिटी इश्यूज हैं तो वो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं। 2013 में भी जिस तरह की सूरत हाल जब हमारी हुकूमत आई तो आपने देखा कि इससे ज़्यादा बड़े पैमाने पर हमें सिक्योरिटी इशूज़ दरपेश थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक जमहूरी हुकूमत आई और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, और उसके साथ साथ ये तमाम तर इशूज़, ऑपरेशन ज़रब अस्द, रद्दुल फसाद, ये तमाम तर ऑपरेशन कंडक्ट किए, और उसके बाद टेररिज्म जैसी लानत से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने छुटकारा पाया। तो आया इस तरह के रेजोल्यूशन पेश करके और मौसम के बहाने, हीले बहाने करना और सिक्योरिटी सिचुएशन के पीछे छुपना, ये तो कहीं की ना जमहूरियत है ना ही जमहूरी प्रोसेस के अंदर जो है ये किसी किस्म की अपनी खिदमत। लेकिन बैरिस्टर साहब, ये कन्फ्यूजन फैला कौन रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाजे कर चुकी है, पत्थर के ऊपर लकीर है, लेकिन जो सेनेटर दिलावर खान एंड ग्रुप है इनको सपोर्ट कौन कर रहा है इस टाइम? उनका कॉन्डक्ट आपके सामने आज वाजे हो चुका है। गैर जमहूरी जिस तरह के ये कैरेक्टर्स हैं, जिस तरह ये जमहूरियत के अंदर हायल होना चाहते हैं और जमहूरियत प्रोसेस को डीरेल करना चाहते हैं, तो ये आप देख रहे हैं कि इनकी पुष्ट पनाई जो है ये मखसूस सियासी जमातें, जिस तरह पीपल्स पार्टी है और PTI, क्योंकि इन्हीं की ही वोटों से जो है इनके चेयरमैन बने संजरानी साहब, और इसी ग्रुप को ही सपोर्ट इन्होंने बाद में किया। तो दिलावर साहब जो हैं अगर सेनेट में मौजूद हैं तो वो कम से कम मुस्बत रोल उनको प्ले करना चाहिए, ना कि इस तरह की रेजोल्यूशंस पेश करके जो कि नॉन बाइंडिंग है। कानून में ऐसी रेजोल्यूशंस और आइन में ऐसी रेजोल्यूशंस की कोई वक़्त नहीं है। आइन पाकिस्तान मौजूद है, इलेक्शन एक्ट मौजूद है, एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट होता तो उस पर बात हो सकती, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक रेजोल्यूशन है जो कि एक मोशन पास किया गया है और उसमें उसकी तादाद भी पूरी नहीं थी जब उसको पास किया गया। और उसके आगे हमारी जमात जो है सीसा पलाई दीवार की तरह सामने खड़ी हुई है और हम नहीं चाहते कि जमहूरी निज़ाम को डीरेल किया जाए और जमहूरीत के अंदर इलेक्शन के किसी भी किस्म के डिले के हम हामी नहीं हैं। हम चाहते हैं इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी 8 फरवरी का इलेक्शन की डेट सेट कर दी है, 8 फरवरी को ही इंशाल्लाह इलेक्शन हो। सर, पीपल्स पार्टी ने भी कहा है कि इलेक्शन होने चाहिए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सस्सी पलिजो साहबा ने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। सस्सी पलिजो साहबा, सबसे पहले तो आप इस करारदाद की बताइए हिमायत में हैं या मुखालफत में? देखिए, सबको पता है कि इलेक्शन पहले भी डिले हो चुके हैं और जब हमने कहा कि भाई इससे मज़ीद डिले नहीं होने चाहिए, अब जो भी डेट आ चुकी है 8 फरवरी की, उस पर यकीनन होने चाहिए। और पीपल्स पार्टी समझती है कि जमहूरी अमल में इलेक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। जमहूर को यह हक मिलता है कि अपने मनपसंद या वो समझते जिनको कि वो बेहतर नुमाइंदगी कर सकते हैं, वैवान में बेचकर पाकिस्तान के मुतालिक, उनके हल्कों के मुतालिक, सूबों के मुतालिक पॉलिसीज लेकर आ सकते हैं, और लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। तो मेरे ख्याल में उसके लिए वो फोरम पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होना ज़रूरी है। ये जमहूर की आवाज़ है, उसको इलेक्शन को होना बहुत ज़रूरी है। मैं समझती हूँ पीपल्स पार्टी भी समझती है, बिलावल साहब ने बारहा कहा है। और आज जब हम भुट्टो साहब की सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहाँ भी जो भी लोग हैं उनकी ज़बान पर यही बात है, यानी जमहूर की हकीकी बात है कि भाई इलेक्शन होने चाहिए। तो बहरामंद तंगी साहब क्यों खामोश रहे? बहरामंद तंगी साहब के मुझे डिटेल्स इतने पता नहीं है सिंस आई एम इन ठट्टा, लेकिन जो थोड़ा बहुत पता चला है कि वो कहते हैं कि भाई मैंने हिमायत नहीं की है, पर मेरे ख्याल में पार्टी उनको शोकास नोटिस दे सकती है या वजाहत तलब कर सकती है। मज़ीद डिटेल्स मुझे नहीं पता चूँकि हम अभी भी जो है उसमें भुट्टो साहब के प्रोग्राम में हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये चूँकि अहम बात है तो पार्टी ज़रूर वजाहत तलब करेगी। नून लीग के रहनुमा अकील मलिक साहब कह रहे हैं कि सेनेटर दिलावर खान ग्रुप के पीछे पीपल्स पार्टी है और PTI है, तो आप लोग चाहते हैं इलेक्शन मुलतवी हो जाए? नहीं 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 नहीं, ये तो एक मजाक में तो कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि बिलावल साहब ही थे वो वाहिद सियासतदान जो मुश्किल हालात में भी उन्होंने ये बारहा कहा। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में जो भी हैं इदारे हों, हमारे लोग हों, सियासतदान हों, वो क्यों इलेक्शन से वो भागेंगे? और सर्दी हो, गर्मी हो, इलेक्शन पहले भी होते रहे हैं। और मेरे ख्याल में मुश्किल हालात में भी जब जमहूर की आवाज़ को, लोगों की फैसलों को अहमियत दी जाती है, और एक पूरा एक प्रोसेस है जमहूरी आईनी, जिसमें इलेक्शन एक्ट भी आ जाता है, जिसमें आपके दूसरे भी, और सुप्रीम कोर्ट की भी जो राय है वो सबके सामने है। तो मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को अभी इस वक्त भी इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस ज़रूर है, और दहशतगर्दी की भी जो बला दोमुही वो भी सामने है। उससे हमारे जवान हो, हमारे सियासतदान हो, हमारे कौम हो, वो लड़ रहे हैं, पहले भी लड़ा है। हमने तो अपने लीडर्स तक जो है उन्होंने जानों का नजराना दिया है, हमारे जवानों ने दिया है, दफा इदारों ने दिया है, लेकिन वो अभी चीज़ जो है बीच बीच में ज़रूर आती है या दूसरे मामला आते हैं, लेकिन उसको तो जाहिर बात है उन मामला को हल करने के लिए भी जो फोरम है जिसमें पॉलिसीज बनती हैं और जिसको जो है हर तरह से उनको राइट है और वो इख्तियार है। जो पार्लियामेंट की बात है वो मेरे ख्याल में उसकी उत्तम दर्जा है, और उसको कभी भी, क्योंकि आईनी आपको उसमें बाकायदे आपको वो हासिल है, इख्तियार हासिल है कि आप जो है जो भी बात है जो पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए, तरक्की के, लोगों की तरक्की के लिए है। और इलेक्शन जो है वो एक मरहला होता है, इलेक्शन एक प्रोसेस है, उससे फिर आप चीज़ों को सहल तरीके से, और उसको आईनी एक मिल जाती है, आपको एक बैक मिल जाती है, उसको करते हैं। तो कौन मेरे ख्याल में जो भी जी शऊर बंदा है, जो भी सैन जहन होगा, वो ज़रूर चाहेगा कि पहले भी हम लेट हो चुके हैं, हमें इलेक्शंस में जाना होगा, क्योंकि इस वक्त तो और भी आवाजें आ रही हैं भाई इस वक्त इलेक्शन न हुए तो शायद कभी ना हो सकेंगे। ऐसे भी लोग सुना है कि राय अपनी रखते हैं। मेरा हर किसी को राय रखने का है, लेकिन हम सबके लिए, आपके लिए, हमारे लिए, पार्टियों के लिए, सब पाकिस्तान पहले है। तो पाकिस्तान की ही तरक्की, उसके इस्तेकाम और उसकी जो है लिए। लेकिन आखिरी सवाल मोहतरमा कि ये वो उनका नुक्ता नज़र ही यही है कि हम अपने लीडर्स को शहीद करवा के इंतखाबात चाहें, तो वो कौन से इंतखाबात होंगे? फिर देखिए, इंतखाबात के दौरान भी तो बहुत सारे लोग जो है वो लड़ाइयों में, झगड़ों में, हम जो अनफॉर्चुनेटली जो डेवलपिंग कंट्रीज है साउथ एशिया में, तो ऐसे सीन तो दिखने में आते हैं ना अनफॉर्चुनेटली। लोग शहीद क्या गोलियों में, उसमें टॉलरेंस लेवल बहुत कम है हमारे रीजन में, वो नहीं हो जाता। और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी इतना कोई स्ट्रांग नहीं है, लेकिन क्या इलेक्शन रुक जाते हैं? मोहतरमा, शहीद साहिबानी सर्दियों में वो शहीद की गई जो हमारी प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट थी, क्या उसके जो है फौरन बाद कुछ दिनों में इलेक्शन नहीं हुए थे। और ये जरूरी होता है, वरना लोगों उस वक्त भी अगर न होते ना इलेक्शन, आपको पता है लोगों का जो गुस्सा, तकलीफ और उनकी रंजिश जो थी वो कंट्रोल कोई नहीं कर सकता था। और ये इलेक्शन हुए तो एक आपको एक चीज मिली, फोरम मिला जिसमें बातें हुई। यकीनी तौर पे मुस्तहकम हुकूमत के लिए इलेक्शंस का होना ज़रूरी है और जमहूरियत का भी जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सस्सी पिलेजो साहबा, अकील मलिक साहब नून लीग के रहनुमा और ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे और राजा आमिर अब्बास साहब आइनी और कानूनी मामलात के ऊपर बात करेंगे। सेनेट की जो कोरम पूरा ना होना, क्या ये रूल्स की खिलाफ वर्जी है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तौहीन है? और क्या इससे इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे? एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे ताहयात नाहली और सेनेट की करारदाद से मुतल्लिक। हमें ज्वाइन किया है राजा आमिर अब्बास साहब ने, सीनियर कानूनदान हैं, और इसके अलावा ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, आज जो सेनेट ने करारदाद पास की है, आपकी नज़र में इसकी कानूनी हैसियत क्या है? और क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के उस बात की तौहीन नहीं है कि वो कह चुके हैं पत्थर के ऊपर लकीर है और इसको अब मिटाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, चीफ जस्टिस साहब खाली ये नहीं कह चुके कि ये पत्थर पे लकीर है, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इस पे किसी को शक हो तो वो भले से अपनी बेगमात के साथ तो बात कर ले, लेकिन इस मुल्क के सबसे बड़े ईवान में बैठ के ये बात करनी इंतहाई मजाका खेज़ है। और हमने तो माजी करीब में देखा कि एक वकील साहब ने जो लाहौर में पिटिशन लगाई थी आरओस के हवाले से, उस पर उन्हें कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का तरफ चल पड़ा है सिलसिला कि जी ये तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी, वर्डिक्ट था, जिसमें उन्होंने कहा इट्स एन इंग्रेविंग ऑन स्टोन। तो आप ऐसी सिचुएशन में कभी हम देखते हैं फजल रहमान साहब हर दूसरे चौथे दिन एक स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, एक प्रेस टॉक कर रहे होते हैं कि जी इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। आज दिलावर साहब जो ग़ालिबन मुस्लिम लीग नून के हैं, उन्होंने ये करारदाद पेश कर दी। अब इसका जो कानूनी तो यकीनी तौर पर किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से कोई इसकी कानूनी हैसियत नहीं है, कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं है किसी तरीके से भी। लेकिन इसको देखना ये होगा कि क्या वजह है कि ये बाप की पार्टी के मिखल काफ़ी उसमें सेनेटर्स थे, हाँ जी, तो ये आई है रेजोल्यूशन और बाप पार्टी जो ग़ालिबन मिखल वज़ीर आज़म नहीं दिलावर खान नून के हैं, उनके साथ जो बाकी सेनेटर्स थे, हाँ जी, उसमें मेरे ख्याल बाप के काफ़ी सेनेटर्स थे, हाँ जी, बाप वो पार्टी है जिससे वज़ीर आज़म साहब भी बिलोंग करते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में अब ये जो ऑब्जेक्ट आई है रेजोल्यूशन, इट शोज़ कि जी कुछ हलके ऐसे हैं कि जो अभी भी इलेक्शन को जो टालना चाह रहे हैं, वो यही वजह हो सकती है ग़ालिबन कि ग्राउंड रियलिटीज़ में वो जो है आवाम की तरफ नहीं देख रहे, बल्कि वो मसनद पे बैठना चाहते हैं किसी और दरवाज़ों से। और जब आवाम में वो ग़ालिबन जा नहीं पाते अपनी इलेक्शन कम्पे, ये तो हाई टाइम है इलेक्शन कम्पेन का, और जो सेनेट का ईवान है उसमें ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज़ रिप्रेजेंट होती हैं, कोई इंडिपेंडेंट लोग नहीं बैठे। तो दिस क्लियरली शोज़ कि जनाब एक हल्का ऐसा है या कोई ऐसा, ये एक थोड़ी सी जो है कानूनी बात तो नहीं लेकिन एक ख़तरे की बात है कि इस इलेक्टोरल जो हमारा अमल है इसको रोकने की कोशिश की जा रही है। और ये अब भी वो जो क्वेश्चन मार्क इस वक्त अभी भी हर दूसरा आदमी पूछता है कि जी क्या इलेक्शंस होंगे, तो उसको तकवीयत पहुंचती है कि हमारे एवान बाला से। तो ऐसी चीज़ों का भी नोटिस मैं समझता हूँ, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जब कानून साजी के अमल पे केसेस चल रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे आती है कि जी जो पार्लियामेंट का विजडम होता है वो गालिबन अदालतों से बहुत ज़्यादा होता है। तो अब ये विजडम जो सा है पार्लियामान का, जो उसका अपर हाउस है, ये समझ से बालातर है क्योंकि आईन पाकिस्तान तो इस चीज़ की जिसके ये प्रोटेक्ट करता है पार्लियामेंट, वो तो 90 दिन और चले 90 दिन से थोड़ा बढ़ गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक डेट दे दी। और अब भी अगर ये बातें की जाती है, क्या माजी में फरवरी में इलेक्शंस नहीं हुए? यकीनन हुए हैं। और कौन से वो लोग हैं कि जो ये कह रहे हैं कि जी अब मौसम के बाद अब आगे तो रमज़ान आ जाएगा, फिर क्या आप रमज़ान में कहेंगे कि जी इलेक्शंस नहीं हो सकते, फिर गर्मियाँ हैं, मुहर्रम है। तो दीज आर ऑल लेम एक्सक्यूज़, और इसको जो है सख्ती से, इसका मैं समझता हूँ लाजमी बात है क्योंकि अब इलेक्शंस के ही मैटर्स चल रहे हैं इस वक्त अदालतों में, तो अदालतों को यकीनी तौर पर नोटिस लेना चाहिए कि ये किस तरह का ऐवान है जहाँ से ऐसी। लेकिन राजा साहब, सिक्योरिटी सूरत हाल भी तो आइडियल दिखाई नहीं दे रही है ना। मौलाना साहब के काफिले के ऊपर हमला होता है, एक और रहनुमा केपी से उनका ताल्लुक है, उनके काफिले पे भी हमला होता है, बल्कि उनके ऊपर। और अभी जिस वक्त हम ये प्रोग्राम शुरू करने वाले थे, खबर आई है एक और मजहबी रहनुमा, उनके ऊपर नामालूम अफराद, इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार के अंदर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है और अब वो जाम बहक हो चुके हैं। देखिए ये जो अमल है ये क्या इलेक्शंस को सैबोटाज करने के लिए है? यकीनी तौर पे जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की लहर है वो इस वक्त मौजूद है, लेकिन क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि इन एक्शंस की वजह से हम अपनी एक आइनी रिक्वायरमेंट जोन सी है, हमारा आइन जिस चीज़ को कहता है हम उसको आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए इन शरपसंद अनासिर्स के एक्शन से हम वो तो चाहते ही ये हैं कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती ना रहे। तो इसके सामने अगर हम लेट जाते हैं या इसको हम मान लेते हैं तो इसका मतलब है हमने कम कर दिया, हम उनकी बात को मान गए। हमें तो इनसे लड़ना है और हर तरीके से लड़ना है, आइनी तौर पे भी और वैसे भी इनको रोकना है। तो हमने 2013 में 18 में देखा कि आपके सामने हैं, कैजुअल्टीज़ भी हैं, एएनपी के लीडर्स मारे भी गए। उससे पहले आपने देखा कि केपी में पार्टीज़ को इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी, बट डिस्पाइट ऑल दैट इलेक्शंस हुए अपने मुकर्रर वक्त पे। और मैं समझता हूँ अब भी इसके अलावा पाकिस्तान की बेहतरी किसी चीज़ में नहीं है कि इलेक्शंस ना हो। लेकिन सर मौलाना साहब ये कह रहे हैं, मेरा फिर आपसे यही सवाल है कि वो कह रहे हैं हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही केपी के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर, ऐसी सूरत हाल नहीं है कि आवाम से जाके वोट मांगा जा सके। और आज की जो करारदाद है इसका लुब्बे लुबाब ये है कि हम अपने लीडरान की शहादत के बाद इलेक्शन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी कह चुकी है कि जनाब उनके लीडर, आप 2008 में बेनज़ीर भुट्टो साहबा को शहीद भी किया गया था। देखिए अब मुझे नहीं समझ आती कि मौलाना साहब को बिल्कुल उनको थ्रेट्स भी होंगे, लेकिन थ्रेट्स तो बहुत से सरकारी अफसरों को भी है। क्या वो अपनी नौकरियों पे ना जाए? जजेस को है, क्या वो अपने जो अदालती फ़राइज़ हैं वो छोड़ दे? थ्रेट तो हम देख रहे हैं और भी इदारों को है, क्या वो फिर अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दे? थ्रेट्स हैं, लेकिन थ्रेट्स को रोकना एग्जेक्टिव का काम है, हकूमत का काम है। तो उनको चाहिए कि वो इनको मुकम्मल प्रोटेक्शन दें, और मुकम्मल प्रोटेक्शन में इलेक्शंस के अमल को सिर्फ रोकना, मैं समझता हूं कि ये फिर हमारा जो आइनी ढांचा है उसके अंदर एक बहुत बड़ा डेंट होगा, जिसको एक्सक्यूज़ किसी भी एंगल से, किसी भी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से नहीं बनाया जा सकता। एंड वी ऑल मस्ट गो फॉर इलेक्शंस। अब मौलाना साहब से बड़ी पार्टियाँ हैं, एएनपी जिनके पहले भी लोग शहीद हुए थे, आपको याद होगा, लेकिन एएनपी केपी में इलेक्शंस करवाने की हामी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हामी है, पीटीआई हामी है, इवन मुस्लिम लीग नून के। आज मैं सेनेटर साहब का, अफनान साहब का ये स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि ये बिल्कुल गलत है। तो ऐसी सिचुएशन में मेजॉरिटी को देखना चाहिए, ना कि एक ख़ास ग्रोह अगर ये बात कर रहा है तो उस बात को कतन फॉलो नहीं किया जा सकता। मैं ब्रिगेडियर साहब से सवाल करूंगा ताहयात नाहली केस के हवाले से, लेकिन एक सवाल ब्रिगेडियर साहब, आमिर अब्बास साहब ये कह रहे हैं कि इस वक्त में इलेक्शन को रोकना पाकिस्तान के आइनी ढांचे के ऊपर डेंट डालने के मुतरादिफ है, और पाकिस्तान में अगर आप इस्तेहकाम चाहते हैं, मईशत अच्छी चाहते हैं, तो इलेक्शन को होना चाहिए। देखिए जी, बात तो सही है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है कि पिछले जनवरी से अब तकरीबन 1 साल हो गया है, प्रोविंशियल असेंबलीज जो है वो इन सेशन में नहीं है, प्रोविंशियल असेंबलीज हमारी, और फिर सितंबर से नेशनल असेंबली भी नहीं है। तो आपका जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है, वो इनकम्प्लीट है, नंबर एक। नंबर दो ये है कि 15 मार्च से गालिबन को सेनेट का जो है वो दोबारा इलेक्शन जो वो ड्यू है, जो 50% वो जो टर्नओवर होता है। तो अगर यहाँ पे 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि फिर एक आईनी प्रॉब्लम आ जाएगा, आपको सेनेट के इलेक्शन को मजीद आगे ले जाना पड़ेगा, वहाँ पे भी मामला जो है वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो लेकिन देखिए एक बात है, अभी तक जो अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो, हमारी जुडिशरी हो, या और जितने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर थ्रेट अलर्ट जारी करता है, लेकिन हुकूमत की तरफ से और जो बाकी मैंने नाम लिए, यहाँ से कोई ऐसी उस तरह की इंडिकेशन नहीं है कि जनाब हम मुश्किल महसूस कर रहे हैं इलेक्शन करवाने में। ऐसी बात अभी तक किसी के मुँह पे नहीं आई है, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और अभी मैं थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था कि इतना प्री इलेक्शन वायलेंस हुआ है बांग्लादेश में, लेकिन इतना वहां पे लड़ाई झगड़े हुए कि फिर भी आप देखें 7 जनवरी को आई थिंक उनकी इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन, और बांग्लादेश की आर्मी के वो एक वीडियो है कि वो 3 दिन पहले सिक्योरिटी ड्यूटी पे अपना बाहर निकल आए हैं। सो मेरा कहने का मतलब कि दुनिया का भी फोकस है पाकिस्तान के ये जमहूरी प्रोसेस ट्रांजिशन के ऊपर, बिल्कुल है। और ये बात भी सही है कि जब जितना आगे हम प्रोग्रेस कर गए हैं टुवर्ड 8 फरवरी, तो फिर सेनेट में ये एक रेजोल्यूशन लेके आना, या तो होते ना ओवरवेलमिंग मेजोरिटी 40-50 हमारे मतलब सेनेटर होते, तो फिर तो वाकई आज बहुत हंगामा होना था फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, उसका बड़ा इफेक्ट होना था। लेकिन अगर ये 14 लोग हैं वहाँ पे, और जिस तरह आप बता रहे हैं खास लाइक माइंडेड ग्रुप है वगैरह वगैरह, तो फिर ये सवाल तो उठते हैं। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि ये रेजोल्यूशन जो है ये सिंबॉलिक नेचर की है। वो जिस तरह एक दफ़ा मोहतरम हमारे रईस थानी साहब ने कहा था, बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने, कि डिग्री होती है, चाहे जाली हो चाहे जेन्युइन हो। तो रेजोल्यूशन जो है ना, रेजोल्यूशन होता है, रेजोल्यूशन होती है, चाहे 14 सेनेटर्स की हो या 104 सेनेटर्स की। बिल्कुल यकीनी तौर पर बात करें ब्रिगेडियर साहब। और अब सवाल असल में यही है कि इस सेनेटर दिलावर ग्रुप की पुश्त पनाही पे कौन है, कौन उनको चाहता है कि जनाब इस वक्त इलेक्शन डिरेल हो जाएं। बैरिस्टर अकील मलिक से मैं सवाल करूंगा ताहयात नाहली केस के हवाले से, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब और बैरिस्टर अकील मलिक साहब। अकील मलिक साहब, क्या उम्मीदें हैं ताहयात नाहली केस के फैसले में? आपके लीडर हो रहे हैं अहल इस दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल ज़रूर इरफान साहब। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज वर्डिक्ट रिज़र्व कर लिया है, और 62(1)F में असल में 2 कंपोनेंट्स हैं, और उसके 2 कंपोनेंट्स ये हैं कि एक जो डिक्लेरेशन बाय कोर्ट ऑफ लॉ है, और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंस है वो डिस्क्वालिफिकेशन है। ये बात भी आज ज़ेरे बहस आई अदालत में कि पार्लियामान ने जब एक उसका तयन कर दिया है इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके, जो 5 साल की मुद्दत फिक्स की गई है, और बाकी केस लॉज मौजूद हैं, फैसल वाडवा साहब का केस मौजूद है, समी उल्लाह बलोच साहब का केस मौजूद है, और बिलखसूस अगर समी उल्लाह बलोच साहब के केस की बात की जाए तो उसमें खासी अभाम है कि जो टाइम लाइन है और जो उसके कंपोनेंट्स हैं क्या उसमें पूरा उतरेगा या नहीं। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन एक लिमिटेशन इसकी होनी चाहिए। हम तो इस बात पे ज़रूर कहते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो टाइम बार्ड होनी चाहिए, और उसमें वक्त का तयन किया जाए, ना कि लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन किसी भी कैंडिडेट की या किसी भी सियासी लीडर की। जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन उसको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने क्रिस्टीन लगार्ड की अगर वेस्टर्न एग्जाम्पल आप लेते हैं तो IMF की हेड जो हैं क्रिस्टीन लगार्ड, तो उनकी भी मिसयूज़ ऑफ पब्लिक फंड्स पे अगर कोई ऐसी बात हुई आईएमएफ के अंदर, तो आज वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के अंदर उनकी डायरेक्टर जनरल हैं, उसको वो हेड कर रही हैं। तो इस तरह की कदगन लाइफ टाइम जो है किसी भी सियासी लीडर पे नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि उसको एक टाइमलाइन सेट कर देनी चाहिए, और उसकी टाइमलाइन खा वो 5 साल हो या 10 साल हो, तो वो तयन जो है पार्लियामेंट ने तो इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम करके कर दिया है 5 साल का। लेकिन मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ये बेंच है 7 मेंबर, ये इंशाल्लाह इसकी तशरीह ज़रूर होगी, जो इलेक्शन एक्ट के अंदर तशरीह इसकी करेंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो ग्रे एरियाज हैं उसकी भी तशरीह, और ये स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन होनी भी चाहिए कि जितने भी पार्लियामान हैं या जितने भी सियासी लोग हैं उनको इस चीज़ का वाज़े तौर पर पता होना चाहिए कि तयन क्या 5 साल है वो स्टेट डिक्लेरेशन की या वो 10 साल है। तो ये वंस एंड फॉर ऑल इशू डिसाइड होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के कि उसका 5 साल की जो मुद्दत है। मैं समझता हूँ कि डिक्लेरेशन को भी जो टाइम सेंटर्ड या टाइम लिमिटेशन उसकी हैं टाइम बार करना चाहिए। लेकिन बैरिस्टर साहब मुखालफिन ये एतराज़ करते हैं कि ये सारा कुछ जो है नवाज शरीफ साहब को अहल करने के लिए किया जा रहा है, और किसी लंदन प्लान का जिक्र करते हैं। कितनी सदाकत है इसमें? इसमें कोई ऐसी सदाकत नहीं है कामरान साहब। इसमें आप देखें कि ये ना सिर्फ अगर हमारे पे ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हमें किसी एक पर्टिकुलर सियासी लीडर को ये बेनिफिट करेगी, तो जहांगीर तरीन साहब भी हैं आईपीपी से, इमरान खान साहब खुद भी हैं, उनको भी ये लेटर ऑन इन द टाइम जो है ये बेनिफिट करेगी, और दीगर सियासी जितने भी लीडर्स हैं या जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको ये बेनिफिट करती है। तो ये अक्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंटेशन होगी, किसी एक सियासी लीडर या किसी एक मखसूस सियासी जमात के लिए जो है उसका इतलाक इस पर नहीं होगा। ये अक्रॉस द बोर्ड है कि पाकिस्तान सबके लिए बराबर है, पाकिस्तान का काम तमाम तरह सियासी जमातों के लिए बराबर है। तो ये वंस एंड फॉर ऑल इसका डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है, इसके जो टाइम है उसका तयन होना बहुत ज़रूरी है। राजा साहब, मुमकिन फैसला क्या हो सकता है इस समात को सुनने के बाद? कौन कौन से सियासतदान इससे मुस्तफ़ीद होने जा रहे हैं? देखिए, मुमकिन फैसले पे तो कहना आई थिंक के कोर्ट में ऑलरेडी वो रिजर्व हो चुका है, इट वॉन्ट बी अप्रोप्रिएट। लेकिन हमने जो देखा है ये हेयरिंग, या हम जो देखते आ रहे हैं कि एक कानून बना सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर का, जो कि आइन के आर्टिकल 91 को रेगुलेट करने के लिए था, और उसमें ये क्वेश्चन ऑफ लॉ आया था कि क्या सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के ज़रिए आप एक सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट कर सकते हैं। तो उसमें भी ये क्वेश्चन उठा था कि जी नहीं, इसके लिए ज़रूरी है कि एक तरफ ये आर्ग्यूमेंट्स थे कि आइन में तरामीम करनी चाहिए, दूसरी तरफ ये आर्ग्यूमेंट था कि नहीं, ये जो कानून साजी की है इसके ज़रिए हम उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये नतीजा उसमें आया कि यह सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो सी है पार्लियामेंट से जो हुई है उसके तहत रेगुलेट किया जा सकता है। अब जो समी उल हक साहब की जजमेंट थी, समी उल्लाह बलोच साहब की, वो उसमें 5 मेंबर बेंच ने उस वक़्त इलेक्शन एक्ट 2010 में 2017 में ये अमेंडमेंट नहीं थी, वहाँ पे कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे पहुँची कि चूँकि कोई कानून भी नहीं है जो इसको रेगुलेट करता हो, आइन के आर्टिकल 62 में भी कोई टाइम लिमिट नहीं दी हुई इसमें, और जैसा कि बाकी आर्टिकल 62 के बाकी शिकों में दी हुई है, कहीं 5 साल है, कहीं 2 साल है। तो सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली केम टू द कंक्लूजन कि जी नहीं, ये परपेचुअल होगी, लाइफ टाइम होगी। लेकिन अब चूंकि एक लेजिस्लेशन कर दी गई है, बेहतर तरीका तो यही था कि ये पार्लियामान में पार्लियामेंटेरियंस का काम था कि वो इसको रेगुलेट करते, आइन में अमेंडमेंट करते। लेकिन चूंकि जब पीडीएम की हुकूमत थी, आइन में अमेंडमेंट करने के उनके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, और उनका फोकस था कि किसी भी तरीके से ये जो आपका सवाल का बी पार्ट है कि कौन कौन मुस्तफ़ीज़ होगा, कि इसको 5 साल कर दिया जाए। हमें उस वक़्त के लॉ मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट्स याद हैं कि जी इससे नवाज शरीफ साहब को या ये जहांगीर तरीन साहब को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, कुछ नहीं होगा। बट अल्टीमेटली आप देखें कि ये पर्सन स्पेसिफिक क्या की गई थी या क्या आवाम के लिए की गई लेजिस्लेशंस, तो ऑब्वियसली ये चीज़ तो क्लियर थी कि ये जो लेजिस्लेशन थी इसकी इंटेंट जो आने वाले इलेक्शंस हैं ये जो 2024 के इलेक्शंस हैं इसको सामने रख के की गई थी। तो इसमें जो अपरेंटली जो इस जिसको फ़ायदा होगा वो तो ये दो ही लीडर्स हमें नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग वो हैं कि जिनको जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब का पीरियड था तो डिग्रीज जेली होने की वजह से नाअहली करार दे दी गई थी जो कि लाइफ टाइम थी, वो भी। तो मैं ज़ाती तौर पे तो इस चीज़ के हक़ में हूँ कि ये लाइफ टाइम जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये कोई जस्टिफाइबल नहीं है। और फिर आर्टिकल 62 में ये डिक्लेरेशन देना कि जी ये सादिक है, ये अमीन है, ये ही 62(1)D में है कि जी ही इज़ अ मैन ऑफ गुड कैरेक्टर, अब कोई कैसे डिटर्मिन कर सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब 18th अमेंडमेंट आई तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत चाहती थी कि इस 62(1)F और ऐसी शिकों को निकाला जाए 18th अमेंडमेंट के ज़रिए, बट जो मुस्लिम लीग नून थी उस वक़्त उन्होंने इसको अपोज़ किया, दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड, और वो इसको सेटल नहीं किया। काश ये उसी वक़्त सेटल कर लेते, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इसको सेटल करने जा रही है। तो आई थिंक कि ये फ्यूचर के लिए कम से कम एक ऐसी चीज़ होगी कि अब आरओस यकीन करें, एक असिस्टेंट कमिश्नर ने बहुत से केसेस में लोगों को कह दिया कि जी आप सादिक अमीन नहीं, आप पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर नहीं, चलें जी डिस्क्वालीफाई, भाई क्यों नहीं, आपका बिल जमा नहीं हुआ या आपके वारंट्स निकले हुए हैं तो आप नहीं। तो ये चीज़ें इस जजमेंट के आने के बाद ख़त्म हो जाएंगी एंड वी होप कि उसमें ऐसा डिसीजन आएगा कि जिसमें वो इसको टाइम फ्रेम एक दे देंगे कि जी ठीक है जो पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन की है, क्योंकि ये लार्जर बेंच है 7 मेंबर्स का है, तो ये उसको 5 मेंबर बेंच को ओवर रूल कर सकता है। और यही वजह थी कि लार्जर बेंच बनाया गया, अदरवाइज 7 मेंबर्स बनाने की क्या। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रिगेडियर साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान कहते हैं कि एक आता है और वो जनाब खुद आइन तोड़ के आता है, लेकिन कभी सादिक और अमीन की शर्त लगा देता है, कभी डिग्री के ऊपर नाअहल कर देता है, क्या उनको तमाम मुआफ़ है, लिहाजा तमाम जो सियासतदान हैं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए और उनको 5 साल बाद इलेक्शन लड़ना चाहिए? देखिए जी, पहली बात तो यह कि जिस साहब की आप बात कर रहे हैं, जारी बात है जनरल ज़ियाउल हक मरहूम, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, वो तो 1988 के एक क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहली बात अभी एक जो ट्रेंड हमें सामने नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के माजी के कुछ फैसले इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल उनकी रिवर्सल हम देख रहे हैं। देखें दिस इज नॉट अ हेल्दी ट्रेंड। अगर सुप्रीम कोर्ट की मोहतरम बेंच ने 5 मेंबर बेंच ने किसी को अपना लाइफ लॉन्ग डिस्क्वालिफिकेशन की है, फिर हालात बदलते हैं, कोई नया कानून साजी होती है और वो भी जिसपे बड़े क्वेश्चन रेज होते हैं, तो ये दिस डज नॉट कन्वे अ गुड थिंग। वो अलहदा बात है कि मैं कहता हूँ कि अब 7 साल हो गए, ठीक है, जो जो लोग बेनिफिट होते हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन पॉइंट ये है कि सादिक और अमीन की जो अमेंडमेंट और वो किए गए थे जनरल जिया के दौर में, वो गुड इंटेंशन से थे, मकसद क्या था, इस पे पूरी तहरीक चली थी डॉक्टर ताहिर उल कादरी की, मैं उस तहरीक का हिस्सा था कि पाकिस्तान के ऐवानों में ईमानदार लोग अपना सिंसियर पेट्रियोटिक पाकिस्तानी ईमानदार लोग जिन्होंने कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, उन्होंने कोई कर्जा ना खाया हो, उन्होंने कोई कर्जा वेव ऑफ ना कराया हो, उसके या कोई वाकई कोई मॉरल का कोई मसला है, उस किस्म के लोग पार्लियामेंट के हमारे ऐवानों में मत आए, क्योंकि उससे फिर यही लोग हैं जिन्होंने रियासत पाकिस्तान के खरबों रुपए उनकी डिस्पोजल पे होते हैं जो उन्होंने खर्च करने होते हैं। तो दिस वाज द स्पिरिट के ईमानदार सिंसियर लीडरशिप जो है वो। लेकिन उनका सवाल ही यही है कि ये आमिर नहीं डिसाइड करेगा कि सादिक और अमीन कौन है और कौन इलेक्शन लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। देखिए मेरी बात सुने, फिर वो जनरल मुशर्रफ के केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने हेडेड बाय, मेरे ख्याल उसमें इफ्तिखार चौधरी साहब हेड नहीं थे लेकिन वो तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में थे, वो उन्होंने कहा कि जनाब आपका जो 12 अक्टूबर है, हालांकि मैं मिलिट्री रूल को सपोर्ट नहीं करता हूँ टेक ओवर, लेकिन उन्होंने उसको लेजिटिमाइज किया और कहा कि 3 साल आप आइन में जो चाहें आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो देखें माजी में इस तरह की सब कुछ हुआ है पाकिस्तान में, हमने बिल्कुल मैं मानता हूँ सबक सीखना चाहिए, पार्लियामेंट को चाहिए था अगली जो पार्लियामेंट आए वो जनाब। और एक इम्पोर्टेंट बात आज जनाब आप देखें 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की अपील वो जो आज 10 साल कर दिया नैब की अपील। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मुलाकात होगी अगले शो में, अल्लाह हाफिज़।